This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Pulichowki, Pratap Nagar, Nagpur. नागपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोपी नंदनवन निवासी 28 वर्षीय आकाश ताराचंद गोंड की मौत होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतक के सीने में दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसे जेल में डॉक्टर ने चेक कर मेडिकल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। धंधौली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि कैदी की कस्टडी में मौत होने पर पोस्टमार्टम और जाँच मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार के सामने की जाती है। इस मामले में भी वही प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या होने की आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। कल शनिवार को उसकी चेस्ट में पेन हुआ था, तो इसलिए अपना जेल वालों ने तुरंत उसको मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ एडमिट किया था। वहाँ उपचार दरमियान उसकी डेथ हुई थी। उसके ऊपर से हमारे इधर जानकारी मिलने के बाद हमारे यहाँ ईडी दाखिल कर की गई है। उसकी अभी इंक्वायरी चालू है और उसमें एक्चुअल जो जेल डेथ होती है उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये दोनों ही हाजिर रहते हैं और इन कैमरा उनका पीएम होता है बराबर। ये पूरा इंक्वेस्ट वगैरह ये जज और नायब तहसीलदार ये आके करते हैं और वहाँ जो पीएम होता है वो इन कैमरा होता है, उसमें पूरी जुडिशियल इंक्वायरी होती है। जज के पास उनको वो मिलता है। अभी इंक्वायरी चल रही है प्राथमिक, अभी जैसे पीएम रिपोर्ट जैसे आएगा और उसमें जज ये खुद इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद जो आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगा। मृतक का नाम है आकाश ताराचंद गौंड। ये नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 302 का आरोपी था और अंडर ट्रायल वो जेल में था, उसकी बेल होने हुई नहीं थी।